आइए शुरू करते हैं अपनी छोटा पैकेट बड़ा धमाल सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि दिए हुए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ग्लास सीलिंग को डिफाइन करता है। दैट इज ऑप्शन बी, आर्टिफिशियल बैरियर बेस्ड ऑन एटीट्यूडनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल बायस प्रिवेंटिंग करियर ग्रोथ ऑफ वुमेन। यानी कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का वो एटीट्यूड, वो बायसनेस जो कि महिलाओं की करियर ग्रोथ में बाधा बनता है, ग्लास सीलिंग कहलाता है। महिलाओं के प्रति भेदभावपूर्ण रवैया, साइकोलॉजिकल माइंडसेट जो कि उन्हें रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटीज़ होने के बाद भी हायर पोजीशंस पर जाने पर प्लेस होने से रोकता है। करियर में महिलाओं के द्वारा फेस की जाने वाली ऐसी सिचुएशन को ग्लास सीलिंग का नाम दिया जाता है। ये एक इनविजिबल बैरियर है जो कि महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकता है, इसीलिए इस स्थिति को ग्लास सीलिंग का नाम दिया गया है। क्वेश्चन में लिस्ट वन को लिस्ट टू से मैच करना है। ऑप्शन ए पर बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग यानी कि BPR दिया हुआ है। BPR वो मेथडोलॉजी या फिर टेक्निक है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपने करेंट बिजनेस की प्रोसेसेस का एनालिसिस करते हैं, जो अनरिक्वायर्ड प्रोसेसेस होती हैं उनको एलिमिनेट कर देते हैं और सभी प्रोसेसेस को इस तरीके से करते हैं कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी इम्प्रूव हो, कॉस्ट एंड टाइम का मिनिमाइजेशन हो, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन को और भी ज़्यादा एफिशिएंट बनाए। BPR यानी कि बिजनेस प्रोसेस री इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट मिशेल हैमर ने दिया था और इन्होंने जेम्स चैम्पी के साथ मिलकर 1993 में अपनी बुक री इंजीनियरिंग द कंपनी अ मैनिफेस्टो फॉर बिजनेस रिवॉल्यूशन पब्लिश की। ऑप्शन बी पर कोर कॉम्पिटेंसी को दिया गया है, जो कि सी के प्रहलाद एंड गैरी हैमल के द्वारा दिया गया कॉन्सेप्ट है। उन्होंने बताया कि एक फर्म या ऑर्गेनाइजेशन सभी एरियाज में आउटस्टैंडिंग नहीं हो सकता। कंपनी के द्वारा अपने रिसोर्सेज और स्किल्स का यूज़ करके डेवलप किए गए कुछ मेजर एरियाज जिसमें उनकी परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग हो और जो उसे अन्य ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करते हों, उस क्षेत्र में मोर कॉम्पिटेटिव बनाते हों, वही ऑर्गेनाइजेशन की कोर कॉम्पिटेंसीज कहलाती हैं। ऑप्शन सी पर बैलेंस्ड स्कोर कार्ड है, जिसका कॉन्सेप्ट रॉबर्ट एस कापलान एंड डेविड पी नॉर्टन ने दिया था। बैलेंस स्कोर कार्ड एक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य कंपनी की इफेक्टिवनेस को सिर्फ फाइनेंशियल टर्म्स में ना मापकर चार अलग अलग डायमेंशंस पर मेजर करना है। पहला डायमेंशन है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, दूसरा कस्टमर, तीसरा इंटरनल प्रोसेसेस एंड चौथा डायमेंशन है इनोवेशन। बैलेंस स्कोर कार्ड का कॉन्सेप्ट कहता है कि इन चारों डायमेंशंस की परफॉर्मेंस को इफेक्टिवली बैलेंस करके ही कंपनी लॉन्ग रन में सर्वाइव कर सकती है। किसी एक डायमेंशन के बल पर वो लॉन्ग रन में इफेक्टिव नहीं हो सकती। ऑप्शन डी पर लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले पीटर सेंज एंड उनके कलीग्स ने दिया था। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन है जो लगातार अपनी वर्कफोर्स को ऐसा माहौल प्रोवाइड करते हैं जिससे के होने वाले जो चेंजेस हैं उनकी लर्निंग वर्कफोर्स के लिए आसान हो जाए तथा खुद को ज़रूरत के अकॉर्डिंग वो ट्रांसफॉर्म करते रहते हैं। क्रिस आर्गिरिस ने अपनी मैनेजमेंट की थ्योरी में इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ किया है। उनकी थ्योरी में जो मेन पॉइंट्स हैं उनमें सिंगल एंड डबल लूप लर्निंग, द इमेच्योरिटी टू मेच्योरिटी क्वांटिनम, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन आदि मेन पॉइंट हैं और इन सबका एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन पर, अकाउंटेबिलिटी पर और उनकी एम्पावरमेंट पर जो प्रभाव पड़ता है, जो कि अल्टीमेटली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ, इफेक्टिवनेस और ऑर्गेनाइजेशन की अडेप्टिबिलिटी पर प्रभाव डालता है। इसकी स्टडी क्रिस आर्गिरिस की इस मैनेजमेंट थ्योरी के द्वारा की जाती है। सो इस क्वेश्चन का आंसर दिए हुए कोट्स में से ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्शन ऑफ क्लासिकल चेंज प्रोग्राम। ए रिफ्रीजिंग, बी रिमूविंग, सी मूविंग एंड डी अनफ्रीजिंग। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी रिमूविंग, क्योंकि रिमूविंग कुर्ट लुइन के द्वारा दिए गए चेंज मॉडल का पार्ट नहीं है। कुर्ट लुइन का 1947 में दिया गया चेंज मॉडल, जिसे चेंजिंग एज थ्री स्टेप मॉडल यानी कि कैट्स मॉडल भी कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज का क्लासिक या फंडामेंटल मॉडल माना जाता है। कुर्ट लुइन को चेंज
मैनेजमेंट का फाउंडिंग फादर कहते हैं। उन्होंने अपने कैट्स मॉडल यानी कि चेंजिंग एज थ्री स्टेप में चेंज को थ्री स्टेप प्रोसेस बताया है, जिसमें सबसे पहली स्टेप है अनफ्रीजिंग, जिसका मतलब है ऑर्गेनाइजेशन को इसके एम्प्लॉयज़ को होने वाले चेंजेस के लिए तैयार करना। दूसरा स्टेप है चेंजिंग, जिसको मूविंग भी कह सकते हैं। इसमें एक्चुअल चेंज प्रोसेस की जाती है और जो जो रिक्वायर्ड चेंजेस हैं वो किए जाते हैं। लास्ट स्टेप को रिफ्रीजिंग या फिर फ्रीजिंग कह सकते हैं, जिसमें किए गए चेंजेस को स्टेबल किया जाता है और एक्चुअल डे टू डे वर्किंग में यानी कि रूटीन वर्क में उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ? ए आर्टिकल 41, बी आर्टिकल 42, सी आर्टिकल 43 एंड डी आर्टिकल 45। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 को हम निमोनिक्स के थ्रू याद कर सकते हैं। मैटरनिटी की स्थिति में अ मदर लिव्स फॉर टू पीपल, फॉर हर सेल्फ एंड फॉर हर चाइल्ड। सो डिजिट 4 को हम इंग्लिश के FOR 4 से याद रख सकते हैं और डिजिट 2 को हम इंग्लिश के 2 यानी कि TWO से याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कंट्री द ट्रेड यूनियन मूवमेंट बिगिन विद इंडस्ट्रियल यूनियंस? ए ग्रेट ब्रिटेन, बी USA, सी इंडिया एंड डी कैनेडा। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी इंडिया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करें और रीसेंट वीडियोस के टाइमली अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।